नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के आशियाने के रतनखंड में, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कितनी साफ सफाई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हर जगह पे कितनी गंदगी है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है स्वच्छ भारत अभियान, तो यहाँ की कुछ स्वच्छता भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पे गंदगी फैली हुई, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं जो हर तरीके से यहाँ पे अपना जीवन व्यापन करते हैं और सभी लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ की हालत है आप देख रहे हो। इसी को लेकर के यहाँ पे मानव अधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइज आई है, जो अपना एक कार्यक्रम यहाँ पे कर रही है लोगों को जागरूक करके शिक्षा के प्रति और साफ सफाई को लेकर के एक उन्होंने अभियान शुरू किया है। यहाँ के पदाधिकारियों से बात करेंगे आखिर वो किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे आए हैं। आइए चलते हैं, यहाँ के पदाधिकारियों से बात करते हैं। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष, यानी लखनऊ के जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश सक्सेना जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल में। तो किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पे आए हैं? आज हम लोग ये रतनखंड में एकत्रित हुए हैं, ये आज एक फेस्टिव ओकेजन लग रहा है। इसको आज आने का कुछ हमारा स्पेसिफिक उद्देश्य है। लोग समझेंगे हम ये कपड़े बांटने आए हैं, हम ये सैनिटरी पैड्स बांटने आए हैं, हम ये मास्क बांटने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य हमारा है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उदाहरण के तौर पे जो प्लॉट्स पे लोग वर्क कर रहे हैं, लेबरर्स और तमाम तरीके के लोग हैं जो कि जिनके बच्चे बहुत अनऑर्गेनाइज वे में रहते हैं, उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके संस्कार देने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके डेवलपमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। आज हम उनको चयन करने के लिए आए हैं और हम एक ऐसा प्लान लेके आए हैं कि हम उन बच्चों के लिए कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कर सकें। हमारा उद्देश्य है आज हम अपने ये जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, ये हमारे संगठन का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रीट स्कूल आज से एक साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन कोविड के पीरियड में वो डिसकंटिन्यू हो गया ड्यू टू वेरियस रीजंस। इसको हम फिर से रीस्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम चयन करेंगे उन बच्चों को, जो बच्चे वास्तव में शिक्षित होना चाहते हैं। हमने उनके गार्जियंस को भी बुलाया है, जो गार्जियंस चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उन बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था इस विद्यालय में होगी। उन बच्चों के लिए हम सारे इंतज़ाम करेंगे उनके एजुकेशन का, उनके आगे का भी कैरियर का अरेंजमेंट करेंगे। और यहाँ तक हमारा प्लान है कि अगर ये बच्चे जो हम चयन करेंगे आज, ये बच्चे अच्छे निकलते हैं, तो जो भी बच्चे अच्छे निकलेंगे उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमने अपना प्लान बना रखे हैं। उदाहरण के तौर पे जो बच्चे इलेक्ट्रिक वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग देंगे, जो बच्चे प्लम्बरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग देंगे। इस तरीके से हम एक नया इनिशिएटिव आज शुरू करने जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का, सो दैट ये बच्चों को कभी मांगना ना पड़े, ये बच्चे खुद इतने स्किलफुल हो जाएँ कि इन बच्चों को इनकम अपने आप हो, ना तो ये अपने माता पिता पर डिपेंड हो, बल्कि अपने परिवार को आगे बढ़ा के स्वयंभू बने। यानी कि शिक्षा के माध्यम से एक आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि लोग स्वयं अपना रोजगार और अपने मेहनत पे खुद खड़े उतरे। तो मैम, आपका पूरा नाम? डॉक्टर पूनम आनंद। तो इस मिशन में आप कब से जुड़ी हुई हैं? मुझे एक साल तो हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगी आज? पहला तो यही कहूँगी कि इससे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ कि मैं इसकी एक पार्ट हूँ। और दूसरा मेरा आज मकसद ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा और उनका जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसके लिए सोचा जा रहा है, तो मुझे ये लगता है कि शिक्षा लेने के लिए सबसे पहले उनका रोज़ स्कूल आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग विद्यालय नहीं आएंगे तो ये कुछ नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए इनको पहले तो बहुत हेल्दी होना पड़ेगा, बीमार ना पड़े। तो उसके लिए थोड़ा सा इनको मैं आज सैनिटाइजेशन और हाइजीन के बारे में बताऊँगी। यानी कि एक तरीके से लोगों को आप जागरूक करेंगे कि किस तरीके साफ सफाई रखें, अपने आसपास में सफाई रखें, जिससे एक हम अच्छा बेहतर पर्यावरण मेंटेन कर सकें। और आज ये ज़रूरी भी है क्योंकि जिस तरह से कोरोना की महामारी फैली है उसमें सबसे ज़्यादा साफ सफाई की ही ज़रूरत है, तो उसका थोड़ा सा मैं इनको आज प्रशिक्षण देने की कोशिश करूँगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं पैसों के चलते अपनी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो आपकी ऑर्गेनाइज किस तरीके से उन लोग की मदद करेगी? जैसे इन्होंने अभी बताया है कि हम चयनित करेंगे, जो बच्चे अच्छे निकलेंगे तो फिर उनका सब हम अपने ऊपर ले लेंगे, है ना। तो हम कोशिश ये करेंगे कि उनका फ्यूचर उसी हिसाब से, जैसे इनकी अपनी
माइंडसेट है, जो इनका स्किल है उसको हम डेवलप कराएंगे, और आगे इनको जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हम कोशिश हमारी यही है, फ्यूचर देखिए किसी को नहीं पता है, लेकिन कोशिश हमारी आज सोच यही है कि फ्यूचर इनका बिल्कुल स्ट्रांग कर देंगे। तो जिस तरीके से मैम ने कहा कि बेहतर भविष्य और बेहतर देश की नींव की वो तैयारी करें, और पदाधिकारी उनसे हम बात करेंगे। सर आपका पूरा नाम? आर के भट्टाचार्य। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मिस्टर डॉक्टर जी ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी और स्किल डेवलपमेंट के लिए जितने भी अंडर प्रिविलेज क्लासेस हैं हमारे समाज में, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए संस्था हमारी है जो काफ़ी कुछ कार्य करी है, मानवता का वस्त्र बैंक है, मानवता का भोजन बैंक है, स्कूलों स्ट्रीट स्कूल्स हैं, और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और गांव-गांव में जाके प्रचार एवं प्रसार करना इसके लिए कि सैनिटाइजेशन के लिए, कोविड पेंडेमिक जो चली है उसके लिए लोगों को जागरूक करना कि मास्क पहनो और मुंह पे लगाओ, जैसे कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, ये सब चीज़ें लोगों के लिए ये हमेशा ही मेंटेन करनी पड़ेगी, कारण अगर वैक्सीन आती है तो भी और नहीं आती है तो भी, ये लाइफ लॉन्ग है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सब तो उद्देश्य ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन इसके पीछे मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो महात्माओं ने बताया है कि जीव सेवा जो है वही परम सेवा है, वही हमारा कर्म है। हमारे विवेकानंद जी ने यही बताया है कि जो है मनुष्य को भगवान समझो और भगवान समझ के उनकी सेवा करो, मंदिर में जाने से नहीं होता है कुछ भी, तो लिहाजा जो ये सब उसी भगवान के रूप हैं, और बच्चे हमारे बच्चे तो सबसे पहले जो है देश के कर्णधार हैं, तो हमें बच्चों को नहीं सुधारा जाएगा चाहे वो किसी भी परिवार से आता हो, उस बच्चे का पालन पोषण अगर ढंग से नहीं हुआ है, उसको अगर कपड़ा नहीं मिला है, उसका अगर खाने को नहीं मिलेगा तो पड़ेगा क्या, तो उसी के लिए जो भी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं वो हम लोगों को करना है, कोशिश की जाएगी। और उसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां आती हैं इन परिवारों में, क्योंकि ये लोग खुद ही डेली खाने वाले हैं लोग, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इनको उसी हिसाब से मुहैया कराना ये हम लोगों का कोशिश रहेगी पूरी तरह से, और हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चे आगे बढ़ें और देश के कर्णधार बने। जिस तरीके सर ने बताया कि आप लोगों ने शिक्षा के लिए माध्यम तो पहले से शुरू किया था लेकिन कोविड के पीरियड में बंद हो गया था, तो आगे की क्या तैयारी है आप लोगों की? आगे की तैयारी यही रही कि कोविड के जो सुरक्षा नियम है उसको मध्य में रखते हुए स्टार्ट किया जाए, और लोगों को शिक्षा के साथ साथ ये पेंडेमिक से अपने आप को सेव करने का तरीका भी सिखाया जाए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोविड चलता रहेगा तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, तो लिहाजा उसके हिसाब से मास्क है, सेल्फ डिस्टेंसिंग है, हाइजीन है, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराना, उनको समझाना, उनके परिवारों को बताना, जिससे कि ये महामारी इस तरह से दूर हो। तो सर ने ये बहुत अच्छा बोला और यही चीज़ हम भी बोलने जा रहे थे कि शिक्षा तो मेन महत्व है और सर शिक्षा तो मेन बुनियाद होती है, लेकिन शिक्षा के साथ में जो कोरोना पीरियड चल रहा है हमारे देश में, तो हमें कितना अपने सोशल डिस्टेंस और इन सब चीज़ों का नियमों का पालन करना है। आगे में हम आपको स्कूल का नज़ारा दिखाएंगे किस तरीके से स्कूल में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या तैयारी के साथ में, और यहाँ पर जो कुछ टीचर हैं उनसे ही बात करेंगे। तो मैम ये बताइए कितने सालों से कार्य कर रही है? ये हम 20 साल से करीब कर रहे थे। यहीं पढ़ा रही कहीं और पढ़ाते? और कहीं भी पढ़ाते थे, यहाँ भी यहाँ शुरुआत किया, एक साल हो गया पूरा शुरुआत करते हुए, और अभी भी एक कार्य जारी है। कितने बच्चे रोज़ आ जाते हैं पढ़ने के लिए? 20-25 इस तरह से रोज़ आता है, यहाँ आते हैं बच्चे पढ़ने, इसके पहले तो और ज़्यादा थे लेकिन कोरोना के दौर से कम बच्चे आ रहे हैं। यहाँ सब सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, सभी चीज़ें जिस हिसाब के बच्चे हैं छोटे बड़े उसी हिसाब का पढ़ाई कराते हैं। हमको ये मास्क क्यों पहनना है? आपको सबको पता है कि कोरोना फैला है, ये अब सारी दुनिया जानती है कि कोरोना फैल गया, और कोरोना एक वायरस है ये भी आपको पता है, ठीक है? ये कोरोना वायरस जो है हमारी थूक से, हमारी सांस से दूसरे को फैलता है, ठीक, इसीलिए हमने ये मास्क पहना। इससे क्या होगा, हमारी सांस और भूख से किसी और को वायरस नहीं जाएगा। अगर किसी को भी कोरोना हुआ तो पहचान तो नहीं हो पाती है शुरू में, है ना, तो लेकिन अगर हमने दोस्ती निभा ली और आसपास गले लग लिए तो काम हो गया। उसी से बचने के लिए याद रखो, मास्क है ज़रूरी, ठीक। मास्क पहनने का तरीका सुनो, ये जो मास्क आपको दिया है उसमें ऊपर में एक सफ़ेद लाइन है, एक मोटी सी तार है, उस तार को बीच में से मोड़ लो और फिर उसको नाक पे लगाओ, ठीक,
और ऐसे कान में पहनने का है। कहते हैं कला किसी की मोहताज नहीं होती और हुनर छुपाए छुपता नहीं है, तो एक हुनर हम आपके सामने लेकर के आए। बेटा आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम अर्जुन दुबे। तो आपने जो दो लाइन गाया था वो फिर से एक बार गाइए। यस मैम। माँ मम्मी अम्मा नाम अनेक है लेकिन ममता सबकी एक है। पहला शब्द पहला स्कूल पहली टीचर मेरी माँ, पहली सांस पहला दोस्त पहला प्यार मेरी माँ। पहला शब्द पहला स्कूल पहली टीचर मेरी माँ, पहली सांस पहला दोस्त पहला प्यार मेरी माँ। सुपर माँ है मेरी माँ, क्या बोलूँ मैं माँ के बारे में, दुनिया ये भी कम पड़े। पहले झुकता माँ के आगे मंदिरों में, बाद में शक्ति माँ की, शक्ति माँ में सपने कैद कर आसमां में। कितनी रात मेरे लिए भूखे रह गुजारी, मेरा पेट भर के मेरी भूख बीती आ रही। मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी को मार पूछा, अब खुश है ना बेटा। गलती करता था तो मुझे पापा से बचाते थे, पर कोने में ले जाकर मुझे डांट भी लगाते थे। रोता था तो आपके आंसू में क्यों आंसू होते थे, चोट मुझे लगते जाने आप क्यों ही रोते थे। क्या यही माँ की ममता है, यही माँ का प्यार है, जिसके आगे झुकता दुनिया का अंधकार है। मैं रोता रहूं अपने माँ के फिक्र चले, मैं खोना नहीं चाहता मेरी माँ से ता अमर रहे। पहला शब्द पहला स्कूल पहली टीचर मेरी माँ, पहली सांस पहला दोस्त पहला प्यार मेरी माँ। पहला शब्द पहला स्कूल पहली टीचर मेरी माँ, पहली सांस पहला दोस्त पहला प्यार मेरी माँ। थैंक यू। क्या नाम बताया था बेटा आपने? ये थे अर्जुन दुबे, जो कि रतनखंड यहाँ आशियाना एक एक गांव से हैं। कहते हैं जिस तरह के मैंने पहले ही बताया कि हुनर और कला किसी की मोहताज नहीं होती। कितना अच्छा रैंप इन्होंने गाया। और ये जो अर्जुन दुबे हैं ये यहीं पे मानवता का स्ट्रीट स्कूल में पढ़ते हैं। बेटा कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे? मैम मैं बहुत दिनों से पढ़ा था, पहले एक गाँव था तो वहाँ पे था। जब भी इसमें यहाँ पे छुट्टियाँ हो गई थी यहाँ पे कोई पढ़ाता नहीं था, अब मैं जल्दी आया हूँ, 5-6 दिन हुए हैं। तो पढ़ करके क्या बनो? मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्रिकेटर बनना चाहते हो? फैमिली में कितना सपोर्ट मिलता है? मैम फैमिली में गरीबी है तो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। आज हम लोग आए थे लखनऊ के रतनखंड में, जहाँ पे मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइज द्वारा एक जागरूकता अभियान रखा गया था, किस तरीके से लोग अपने आसपास में सफाई रखे। आपने सभी पदाधिकारियों की बातें सुनी और किस तरीके से यहाँ पे लोग आए थे और किस उद्देश्य को लेकर के आए थे। आपने सभी पदाधिकारियों की यहाँ बातें सुनी। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद।